Okay, student. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I'm going to start my new lecture, which is about the chapter number 6. And what is that? Yes, the chapter number 6. Yes, what is the introduction of this lesson? Introduction of the lesson is that this lesson is about the personality who was the well-wisher of Pakistan, who had struggled to unite the Muslim world, who loved his people and gave every facility to his people, who ruled his country wisely, honestly, and justly, and whose name is, yes, who will reply me? What is the name of this personality? Can you reply me? Okay, students, can you reply me? What about this chapter is? The chapter number 6 is about, yes, is about the name of the chapter, the King Faisal of Saudi Arabia. Yes, I'm talking about the King Faisal of Saudi Arabia. Yes, he is the King Faisal. You are watching the picture of him in your screen. That dekhiye students, aap log dekh rahe hain ki picture, King Faisal. Why I'm talking about him? Because he was the well-wisher of Pakistan. He is the real Muslim. He was a real Muslim and wanted to lead his life according to the teaching of Islam. ये लोग royal background है इन लोगों का. और जब तक ये लोग थे तब तक वहां पर सऊदी अरब में आप देखें कि यूरोपियन डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट देम. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज एंसेस्टर. ओके, किंग फैसल. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर एंड लिसन टू मी. द लेट किंग फैसल ऑफ द सऊदी अरबिया वॉज बॉर्न इन 1907 में ये पैदा हुए रियाद में, जो सऊदी अरब का शहर है ना रियाद, वहां पैदा हुआ. इन्होंने इधर मेंशन नहीं किया लेकिन मैं बता रही हूँ, रियाद में पैदा हुआ. एंड वाज द सेकंड सन ऑफ द किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद. और किंग इब्ने सऊद, अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के ये दूसरे नंबर के बेटे थे. ही रिसीव्ड हिज रिलीजियस एजुकेशन फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंड फादर शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ. मैटरनल कहते हैं नाना को. उन्होंने अपनी जो है इब्तदाई और मजहबी तालीम जो थी वो अपने नाना से हासिल की, जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन एट एन अर्ली एज, फैसल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड हेल्प हिज फादर इन गवर्निंग द कंट्री. और जब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो फैसल ने अपने वालिद साहब की मदद करना शुरू करी अपने मुल्क के मामलात के सुधारने के लिए. ठीक है, उन्हें दिलचस्पी लेना शुरू की. ही वॉज मेट गवर्नर ऑफ हिजाज. उसके बाद उनको हिजाज का गवर्नर बनाया गया, वन ऑफ द सिटी ऑफ अरब, सऊदी अरबिया. व्हेन ही वॉज ओनली 20, जब वो सिर्फ 20 साल के थे. लेटर ऑन He received. He served as Saudi foreign minister, visiting several countries of the world, where he had important discussions and gained a great deal of experience. इसके बाद इनको जो है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर बनाएगा, वजीर खारजा. हमारा वजीर खारजा जैसे आजकल शाह महमूद कुरैशी हैं, वजीर खारजा का क्या काम होता है? They visited different countries and discuss some issues from the countryside. ठीक है, क्या होता है कि वहाँ विजिट करते हैं और अपने मुल्क के कुछ इश्यूज जो के वर्ल्डली होते हैं, कुछ अपने लोकली यानी कि कंट्री के होते हैं, उनको जो है डिस्कस किया जाते हैं और फिर अपना मौका बयान करते हैं और दूसरे ममालिक से अपने ताल्लुकात की बेहतरी को करने के लिए जो है मामला जो भी होते हैं उनको तय करते हैं. ठीक है, ही ऑल्सो हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ होल्डिंग द कमांड्स ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ हिज कंट्री. अपने मुल्क की फौजों की कमांड ऑफिसर के तौर पे भी जो है उन्होंने जो है एक ओहदा संभाला, जैसे कि यहाँ कमर बाजवा वगैरह हैं, ये देखते हैं कि ये अपनी पूरी फौज का जो है एक सरबरा होते हैं, उसको कमांड ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेस के कमांड. ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर्स. ओके, आफ्टर
द डेथ ऑफ किंग अब्दुल अजीज, यानी कि उनके वालिद की जब डेथ हो गई, हिज एल्डेस्ट सन सऊद बिकेम द किंग. उसके बाद उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनके जो बड़े भाई थे सऊद, उनको जो है किंग बनाया गया. उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि फैसल वॉज मेड द क्राउन प्रिंस, वली अहद बनाया गया एंड द प्राइम मिनिस्टर इन 1958, और 1958 में जो है इनको वली अहद और वजीर आजम बनाया गया. सऊदी अरबिया वॉज इन सीरियस डिफिकल्टीज एट द टाइम, उस वक्त सऊदी अरबिया जो है बहुत मुश्किल वहला से गुजर रहा था. फैसल यूज हिज विजडम एंड इंटेलिजेंस टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज. और फैसल ने क्या कहा, कहा कि जो अपनी अकलमंदी और जहानत को यूज करते हुए टू ओवरकम यू नो काबू पाना, काबू पा लिया इन मुश्किलात पर. इन 1960 में क्या हुआ, ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बट एक्सेप्ट इट अगेन इन 1962, लेकिन 1962 में उसको दोबारा से कबूल कर लिया. हिज एल्डर ब्रदर किंग सऊद फेल सीरियसली इल इन 1964, और 1964 में उनके भाई बहुत शदीद बीमार हो गए. फिर क्या हुआ, जब कोई शहजादा या प्रिंस जो होते हैं ये बीमार हो जाते हैं, तो उन्हीं की उसी दौरान जो है ये रूल होता है कि वहीं उनके होते हुए जो है उन्हीं की मौजूदगी में जो है नया बादशाह चुना जाता है. तो काउंसिल मिनिस्टर ने, एंड फैसल वॉज चूजन किंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर जो है फैसल, किंग फैसल को जो है बादशाह चुना गया काउंसिल मिनिस्टर के जरिए. किंग फैसल वॉज डिवोटेड टू इस्लाम. किंग फैसल अकीदतमंद थे इस्लाम के, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत उसको फॉलो करते थे. ही वॉज अ गुड मुस्लिम, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे मुसलमान थे. एंड लेड अ सिंपल लाइफ, और सादा जिंदगी गुजारते थे. ही डिड हिज बेस्ट टू सी हिज पीपल लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, और इनकी पूरी कोशिश थी कि उनके लोग जो है इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारें. ठीक है, ही पजेस्ड ग्रेट क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप एंड प्रूव टू बी एन एबल रूलर, और उनके अंदर एक क्या कहते हैं सरबराहाना और हुक्मराना सलाहियतें थी, और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया कि वो एक जो है बेहतरीन हुक्मरान है, एक काबिल हुक्मरान है. ही लव्ड हिज पीपल एंड रूल द कंट्री वाइजली एंड जस्टली, उन्हें अपने मुल्क के लोगों से प्यार था, और अपने मुल्क पे उन्होंने बहुत ईमानदारी से मुनसिफाना और अकलमंदाना हुक्मरानी की. अंडर हिज रूल, और इनकी हकूमत में सऊदी अरबिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मैनी फील्ड. सऊदी अरबिया ने कई शोबों में जो है बहुत तरक्की करी. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री, उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सा पैसा खर्च किया. द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द सऊदी अरबिया इज मिनरल ऑयल, मादनी तेल जो है सऊदी अरब का एक खास आमदनी का जरिया था. सिर्फ सऊदी अरब यानी बल्कि अरब ममालिक को अल्लाह ताला ने दे आर रिच फ्रॉम द ऑयल प्रोडक्शन, कुदरती अल्लाह ताला ने तमाम अरब कंट्रीज को जो है माला माल किया हुआ है ऑयल प्रोडक्शन से. एंड ही मेड एवरी एफर्ट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन, और उन्होंने इसकी प्रोडक्शन को, इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की. न्यू फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर सेटअप, नए फैक्ट्री और मिल्स तामीर किए इन सऊदी अरबिया में. एंड इंडस्ट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस, और इस सनत ने बहुत तरक्की की. Vast areas of the desert were irrigated and new land were brought under cultivation. बहुत बड़ा इलाका जो है किसका, रेगिस्तान का, उन्होंने इसको आपाश किया और जो है उसको इरीगेट किया, और उसके बाद जरखेज किया उसको, ताकि इसके अंदर कल्टीवेट हो सके, उसके अंदर कुछ पैदावार हो सके, यानी कि उसको जो है हरा भरा बना दिया. फैसल कंसिडर्ड एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज पीपल. फैसल का ख्याल था कि तालीम जो है उनके लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है अगर वो तरक्की करना चाहते हैं. ये सिर्फ फैसल का ही नहीं बल्कि हर मुल्क का यही डिपेंड करता है कि एक मुल्क कब तरक्की करता है, जब उसके मुल्क के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हों, तालीम याफ्ता हूँ. जिस मुल्क के लोग ज्यादा तालीम याफ्ता होंगे वो मुल्क वाकई तरक्की करेगा, और जहाँ इलिटरेसी की शरह ज्यादा होगी, उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, वहां पर डेवलपमेंट कम होगी. ठीक है, जैसे कि हम आप
हम अपनी और थोड़ा इंडिया की बात करते हैं, थोड़े एशियाई कंट्रीज की बात करते हैं, तो हमारे मुल्क में इलिटरेसी है, ठीक है, इन एशियाज कंट्रीज में इलिटरेसी के रेट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़े से पीछे हैं. He opened many schools where education is free for all. उन्होंने कई स्कूल खोले जहाँ पर तालीम मुफ्त थी सबके लिए. He set up several universities where students are not only given free education but are also awarded stipends to meet other needs as well. ठीक है, उन्होंने कई universities खोले जहाँ सिर्फ तालीम फ्री नहीं दी जाती थी बल्कि तालबे इल्म को जो है, तालबात को जो है स्टिपेंड्स कहते हैं, वज़ाइफ भी दी जाते थे ताकि वो अपनी दूसरी जरूरियात को पूरा कर सके. ऐसा ना हो कि स्टूडेंट जो है अपनी तालीम छोड़ दें और कि भाई हमें अब ज़रूरत है घर में कमाने की या हमें अपनी दूसरी जरूरत के लिए हमें जॉब करनी पड़ेगी, इस वजह से जो स्टूडेंट तालीम छोड़ते थे तो उन्होंने इसका भी मसला हल करते थे कि वो उनको माहाना स्टिपेंड्स देते थे, वजीफे देते थे ताकि ये अपनी दूसरी जरूरियात को पूरा कर सके. ठीक है, यहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट ने निकाला था कि सालाना जो है वो लोग स्टिपेंड देते हैं गवर्नमेंट बच्चों को, वो लोग सालाना यहाँ पर सालाना दिए जाते हैं 2,000-2,500 इस तरह दिए जाते हैं ताकि बच्चे अपनी जरूरत पूरी कर सकें. खैर सालाना तो बहुत वैसा हो जाता है लेकिन यहाँ पर मंथली दिया जाता था. उसके बाद ही ऑल्सो स्प्रेड अ नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज ऑल ओवर हिज वास्ट किंगडम. इन्होंने जो है अपनी इतनी बड़ी रियासत में एक बहुत बड़ा जाल फैलाया हुआ था किसका, हॉस्पिटल्स का और डिस्पेंसरीज का. इवन नाउ अ बेडोइन लिविंग इवन अ 1,000 kilometers फ्रॉम द कैपिटल विल फाइंड अ हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी नॉट फार फ्रॉम वेयर ही लिव्स. एक बेदोइन, बेदोइन कहते हैं खाना बदोश को, जो जगह बदलते रहते हैं, अपने घर बदलते रहते हैं, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता. द पीपल who don't have any permanent house, they make their house or they keep shifting their house place to place. ऐसे लोग जो अपने shift करते रहते हैं जगह दर जगह, they are called the Bedouins. ठीक है, वो Bedouins कहलाते हैं कि वो जहाँ कहीं भी वो capital से दूर रहते हैं वहाँ पर अब जगह जगह पर उनको dispensary या hospital मिल जाएंगे. If you visit KSC, जब आप KSC का visit करते हैं, द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, क्या इससे का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स सर्विंग देयर अरब ब्रदरन. वो अपने अरबी भाइयों के लिए खिदमात अंजाम देते हुए नजर आएंगे. ठीक है, जिसमें नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, अब भी आपको वहाँ बहुत से पाकिस्तानी मिलेंगे जो अपने अरब ब्रादरी की, अरबी भाइयों की खिदमत कर रहे हैं. ठीक है, यस, यू विल सी द पिक्चर ऑफ किंग फैसल्स फादर, लेफ्ट साइड हिज फादर एंड राइट साइड हिज ब्रदर. ठीक है, किंग फैसल्स फादर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज एंड किंग सऊद हिज ब्रदर, दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल. यस, King Faisal helped the needy and the poor and provided many facilities to their pilgrims. देखिए स्टूडेंट, King Faisal हमेशा से जो है ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करते थे, और because he had a strong wish to help the needy people. उन्होंने अपने रियाया का बहुत ख्याल रखा. ठीक है, हर तरह से मुमकिन कोशिश की. इधर भी उन्होंने क्या कहा कि उनकी ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, उनको हर तरह की, किसको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, पिलग्रिम्स हाजियों की. ठीक है, ज़ायरीन जो जाते थे हज करने, उमरा करने, उनका बहुत सी सहूलियात से आरास्ता किया जाता था, उनका बहुत ख्याल रखा जाता था. ठीक है, चाहे वह किसी भी मुल्क के होते थे उनका बहुत ख्याल रखा जाता था. He had a strong wish. क्या उनकी शदीद ख्वाहिश थी to unite the Muslim of the world together and did his best to bring the Muslims living in different countries closer together. और उन्होंने, उनकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि दुनिया के तमाम मुसलमान जो है वो मुत्तहिद हो जाएं, मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं ताकि हम ताकि they could face the European democracy. ताकि वो इन यूरोपियन डेमोक्रेसी का जो है मुकाबला कर सकें. लेकिन यू नो दैट इन एवरी एज ब्लैक शिप्स आर देयर, हर एज में हर दौर में ब्लैक शिप्स तो होते ही हैं. अब तो ज़्यादा ही होंगे, जब इनका दौर था इन तीन तो ये बहुत अच्छे चलते रहे, लेकिन आफ्टर दैट
इनके अपने मतलब इनके अपने शाही खानदान में भी जो है अब आप देखेंगे कि जितनी भी न्यू जनरेशन इनकी आ रही है वो दे आर बिलोंगिंग टू द दे हैव एनी काइंड ऑफ लिंक टू द यूरोपियन डेमोक्रेसी. उनका लिंक अंग्रेजों से यूरोपियन कंट्री से जरूर रहा है और है अभी भी. ठीक है, इन्होंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की कि दुनिया के मुख्तलिफ मालिक आपस में मिल जाए, मुस्लिम मालिक जो है आपस में मिल जाए, ताकि ये जो अंग्रेजों का जो एक वो है ना मोटो, उनका एक एम है, एक ऑब्जेक्ट है कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो है आपस में लड़ें, वो लोग यही चाहते हैं. तो अब तो वो उनका मकसद बहुत हद तक पूरा हो गया है. जब तक ये लोग थे इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये सब ना हो, लेकिन अब क्योंकि इन जैसे ईमानदार लोग नहीं है ना सिर्फ इधर सऊदी अरब में बल्कि मैं अपने मुल्क में भी कहती हूँ, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में भी कहती हूँ कि अब ऐसे ईमानदार लोग नहीं है. That's why we are facing this problem that we are called the terrorists all over the world. All the Muslims are called terrorists all over the world. हम मुसलमान जो हैं terrorists कहलाए जाते हैं. वजह इसकी यही है कि हम लोग खुद से आपस में मुत्तहिद नहीं हैं. ठीक है, सिर्फ हम अपने मुल्क में मुत्तहिद नहीं है तो हम वर्ल्ड वाइड कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं स्टूडेंट. दैट्स वाई जो है अब हम लोग को ये फेस करना पड़ रहा है. हमें जो है अब सऊदी अरब में भी पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझा जाता है. His services in making the Muslim conscious of the need for brotherhood. उनको ये शदीद ख्वाहिश थी, वो इस चीज के बहुत चाहते थे कि मुस्लिम भाईचारा कायम हो. Can never be forgotten. और उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश भी की और जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती. It is now the duty of the Muslim to continue his struggle for the achievement of This unity. इस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए जो उन्होंने कायम की थी, ये एक मुसलमान का फर्ज है, यानी कि हमारा फर्ज है कि उसको हम कंटिन्यू करें. बट इफ वी टॉक अबाउट आर पाकिस्तानी पीपल, दे आर नॉट डूइंग दैट. हम नहीं कर रहे. इवन द सऊदी अरबियन पीपल और सऊदी अरबियन रूलर्स, दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग दिस. दे आर नॉट फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ देयर ancestors. वो अपने ancestors की teaching को नहीं follow कर रहे हैं. They are shaking their hands with the European people and they are ignoring the Muslim countries also. That's why we are facing some different disasters or like COVID-19. That's why because we people are forgetting the teaching of Islam, the services of our ancestors, that's why we are facing this type of disasters. Theek hai, it is now the duty of the Muslim, sorry, he practiced what he preached and assessed the Muslims countries of the world. Unhone jo kaha wo karke dikhaya. Ye jo sentence hai ye aap sallam ke bare mein bhi tha ke, aur now no doubt ke wo jo kehte the wo karte the, yani ke ये नहीं कि वो जो कह रहे हैं उस पर अमल नहीं कर रहे हैं. मैं आपसे कहूँ कि भाई प्रे 5 times रेगुलरली, डोंट टेल अ लाई और हेल्प द पुअर, बट आई विल नॉट फॉलो दैट. मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं करूँगी तो क्या होगा कि मेरे कॉल और फेल में तजाद होगा. आप कहोगे कि आप भी ये कहोगे कि मिस आप हमसे तो कहती थी कि इस तरह करें, लेकिन आप खुद तो कर नहीं. तो ये जुमला आप अपने जहन में बिठा लें कि आपने वही करना है जो कह रहे हैं, आपने करना है अच्छा काम, आपने सोचना है कि भाई मैंने ये करना है. ये नहीं कि आप दोस्तों को नसीहतें कर रहे हैं और आप खुद नहीं इस पर अमल कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा. तो इनके बारे में भी ये था कि ये जो कहते थे वो खुद भी अमल करते थे. एंड असिस्टेड द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के दूसरे मुस्लिम ममालिक की सरबराही करते थे, उनको असिस्ट करते थे. ही वॉज एन इक्वल पार्टनर विद पाकिस्तान इन होल्डिंग द इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस एट लाहौर इन 1974. और उन्होंने जो इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में मुनक़द हुई उसमें पाकिस्तान के साथ बराबर के पार्टनर बने. ठीक है, ये इनका पाकिस्तान के लिए एक सर्विस थी. उसके बाद क्या हुआ, किंग फैसल वाज अ सिंसियर फ्रेंड एंड वेलविशर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के लोगों के ये बहुत मुखलिस और वेलविशर खैरख्वाह दोस्त थे. ठीक है, He loved Pakistani people and he loved Pakistan also. That's why Pakistan built a mosque in Islamabad with the name of him. Okay, he gave generous help. Yeah, Shah Faisal Masjid, jo Islamabad mein hai, very famous mosque.
He gave generous help to his country on several occasions. कई बार पाकिस्तान की कई मौकों पर जो है एक बड़े खुले दिल से पाकिस्तान की मदद भी करते थे. Perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy than King Faisal was. शायद ही पाकिस्तान से बाहर कोई इतना उदास हुआ होगा on किस पर on the separation of East Pakistan which is now Bengal. जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, शायद ही किंग फैसल के अलावा कोई इतना उदास हुआ होगा, क्योंकि इनको बहुत दुख हुआ था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ. He was against the state of Israel. वो इसराइल की रियासत के खिलाफ थे. क्यों थे? Because its enmity towards the Arab. क्योंकि वो अरब के शदीद दुश्मन थे. अरबियों के तमाम अरब कंट्रीज के जो इसराइलीज हैं आज तक दुश्मन हैं. ठीक है. He strengthened the Arabs in the war against Israel. उन्होंने इकट्ठा किया, मुत्तहिद किया, ताकतवर बनाया अरब को इसराइल के वॉर अगेंस्ट इसराइल की जंगों के खिलाफ, यानी कि उसके साथ जंग की जा सके. He felt deeply grieved. उन्हें बहुत शदीद सदमा हुआ when Israelis, इसमें T silent है, इसको Israelis ही पढ़ेंगे, when Israelis set Al-Aqsa Mosque on the fire, जब मस्जिद अक्सा को जलाया गया. मस्जिद अक्सा, do you know where is it? It is in Palestine. ठीक है. और हमारा क़िबला अव्वल भी है मस्जिद अक्सा. He met, आपको पता है जो शबे मेराज का वाक़या हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था. यहीं पर आप सल्लम ने तमाम अम्बिया कराम की इमामत की थी. बहुत अच्छा ये पूरा वाक़या यहाँ है. तो यहाँ पर जो है आप सल्लम को लाया गया था, पर जो यहाँ आपने इमामत की, फिर यहीं से आपको जो है सात आसमानों की सैर कराई गई थी. ये मस्जिद हमारे लिए इतनी अहम है. आप देखें कि यहाँ पर आप सल्लम ने वो अम्बिया जो उस दुनिया से चले गए थे उनकी इमामत की थी. तो ये हमारे लिए बहुत अहम है. He made every possible efforts to get back the Arab territories under the illegal occupation of Israel. और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो इलाके जो कि इसराइलियों के पास नाजायज कब्जा जिन पर है उनको वापस मैं ले लूं. अरबों का वो इलाका था, टेरिटरीज कहते हैं वही इलाके जिन पे कब्जे हो जाते इलाके, ठीक है, उनको मैं वापस ले लूं, उनके कब्जे से छुड़ा लूं. ठीक है. उन्होंने हर मुमकिन कोशिश भी की, बट अभी तक जो है वहां पर इसराइलियों का कब्जा है. अभी तक वो फलस्तीन जो है आजाद नहीं हो पाया है. दिस ग्रेट किंग डाइड इन एन असॉल्ट by a weak nephew of his own 25th March 1975. और ये बड़ा अजीम बादशाह जो है एक कत्ल में मारा गया, जो कि इनके भतीजे ने इनका कत्ल किया था. अभी मैं उनके कत्ल का वाक्य भी आपको आगे बयान करती हूँ कि कैसे किया था. 25 मार्च को जो है इनके भतीजे ने इनको कत्ल कर दिया था. The Muslims of the world, of all over the world, mourn, mourn कहते हैं मातम मनाने को, his death. उनकी मौत पर पूरे दुनिया के मुसलमानों ने मातम मनाया. द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, खास तौर पे पाकिस्तान के लोगों ने क्या हुआ, फेल डीप ग्रीफ. पाकिस्तान के लोगों में खास तौर पे क्या महसूस कर रहे थे, ग्रीफ एट दिस सैड न्यूज. इस पूरे खबर से उन्हें बहुत गहरा सदमा हुआ. देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस इन पाकिस्तान विच डिड नॉट मॉर्न हिज डेथ. पाकिस्तान का शायद ही कोई एक ऐसा घर हो जहां इनका मौत का मातम ना मनाया गया. एज इफ, कैसा, एज इफ एन एल्डर ऑफ द फैमिली हैड पास्ड अवे. ऐसा लगता था जैसे कि इनकी फैमिली का कोई फर्द चला गया हो. ही लिव्ड लाइक अ सोल्जर एंड डाइड अ मार्टियर. उन्होंने एक सिपाही की तरह जिंदगी गुजारी और शहीद की तरह मौत पाई. विद हिज डेथ, उनकी मौत से नॉट ओनली सऊदी अरबिया बट ऑल्सो द होल मुस्लिम वर्ल्ड हैज लॉस्ट अ सिंसियर एंड बोल्ड लीडर. ना सिर्फ सऊदी अरबिया ने बल्कि पूरी दुनिया ने एक मुखलिस और बहादुर लीडर को खो दिया था. ही वॉज द रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम्स एंड द गार्जियंस ऑफ टू होली प्लेसेस ऑफ द मक्कतुल मुकर्रमा और एंड मदीना. और दो वो एक जो है मजहबी रहनुमा थे और सरबरा थे किसके, दो मुकद्दस जगहों के जिसमें मक्कतुल मुकर्रमा है और मदीना है. इनके वो ये सरबरा थे, इनके वहाँ के हुक्मरान थे, ये सब कुछ वहाँ के डीलिंग यही करते थे. द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड हु हैव ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट. जब तक ये लोग थे, ये किसी भी यूरोपियन को जो है इस मुल्क में और इस इन पाक जमीनों पे, इन पाक
जगहों पे, यानी कि मक्का और मदीना में इंटर नहीं होने देते थे ये, लेकिन अब तो वहाँ सभी चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इन जैसे सिंसियर लोग नहीं रहे। इनके ही आने वाले, इनके ही आगे की जनरेशन जो है वो अब किस तरफ जा रही है ये नहीं पता। बहरहाल इनकी जनरेशन जो है अब अलाउ कर रही है सबको, सब जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये लोग थे ये लोग किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के ममालिक को वहाँ अलाउ नहीं करते थे, या ना ही दूसरे मजाहब के लोगों को अलाउ करते थे। बहुत पाक जगह थी और अब भी ये पाक ही, अल्लाह ताला इनको पाक ही रखे। तो इन दो जगहों पे इनकी किसी भी क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं थी। द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हु हैव ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, वो मुसलमान दुनिया के तमाम मुसलमान जो कि इनकी इज्जत करते थे, इनसे प्यार करते, विल रिमेम्बर हिम एज अ नॉबल एंड पायस मुस्लिम। पायस कहते हैं मुत्तकी, परहेजगार, पायस मुस्लिम लीडर, इनको हमेशा याद रखेंगी एक शरीफ और मुत्तकी मुसलमान के, मुसलमानी हुक्मरान के नाम से। एंड हिज नेम शैल लिव फॉर एवर इन देयर हार्ट, और इनका इनका नाम जो है मिशन के दिलों में जिंदा रहेगा। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर। एंड नाउ आई एम असासिनेशंस। असासिनेशंस कहते हैं मर्डर को, किस तरह इनका मर्डर हुआ। ठीक है, देखिए, ऑन 25 मार्च 1975 फैसल वॉज शूट पॉइंट ब्लैंक एंड किल्ड बाय हाफ ब्रदर्स सन। हाफ ब्रदर्स सन भतीजे, फैसल को शूट कर दिया गया, ठीक है, उनके भाई भतीजे के जरिए, फैसल बिन मुसेद, उनके कातिल का नाम था फैसल बिन मुसेद, हु हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, जो कि अमेरिका से ही आया था। द मर्डर अकर्ड एट अ मजलिस, वो जो कत्ल हुआ वो कहाँ हुआ, मजलिस में हुआ। एंड इवेंट वेयर, जहाँ पे एक इवेंट हो रहा था, वेयर द किंग और लीडर ओपन अप हिज रेजिडेंस टू द सिटीजन, जहाँ पर वो, जहाँ पर जो है कोई भी हुक्मरान जो है अपनी रेजिडेंस खोल देते हैं ताकि लोग आज के अपने मदा बयान कर सकें, बादशाह से मिल सकें। ठीक है, इन द वेटिंग रूम, वेटिंग रूम में क्या था, जब वो ये सब बैठे हुए थे, प्रिंस फैसल टॉक टू कोईती रिप्रेजेंटेटिव, कोईती वफद से ये बातें कर रहे थे फैसल, हु वर आल्सो वेटिंग टू मीट किंग फैसल, और वो इंतजार में थे किंग फैसल से मिलने के लिए। व्हेन द प्रिंस वेंट टू एम्ब्रेस हिम, जब वो किंग फैसल इससे अपने भतीजे से मिलने आए, किंग फैसल लीन टू किस हिज नेफ्यू, जब उसे बोसा देने के लिए वो अपने भतीजे को प्यार करने लगे, इन अकॉर्डिंग्स विद सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया के रूल के हिसाब से गले मिलते होंगे, किस करते होंगे वो वाले रूल से, जब वो उसके पास करीब आए, एट दैट इंस्टेंट, उसी वक्त क्या हुआ, प्रिंस फैसल टुक आउट, ये जो फैसल बिन मुसैद है, इन्होंने क्या करा, अपनी पिस्तौल निकाली एंड शूट हिम, और उनको शूट कर दिया। द फर्स्ट शूट हिट किंग फैसल्स चिन, किंग फैसल की चिन पे लगी पहला शूट, एंड द सेकेंड वन वेंट थ्रू हिज एयर, दूसरा इनके कान के पास से गुजर गया। अ बॉडीगार्ड हिट प्रिंस फैसल विद अ शेथर्ड शॉट, फौरन ही उनके एक बॉडीगार्ड ने इसकी गर्दन पे तलवार निकाली, उसको मारने ही वाला था ऑयल मिनिस्टर, जो कि वो ऑयल मिनिस्टर जकी यमानी, फौरन चिल्लाए, येल रिपीटेडली नॉट टू किल द प्रिंस, इसको नहीं मारो अभी। ठीक है, किंग फैसल वॉज क्विकली टेकन टू अ हॉस्पिटल, किंग फैसल को फौरन से अस्पताल ले जाया गया। इन ही वॉज still alive as doctor massage his heart and gave him a blood transfusion, aur unko khoon chadne laga aur unka dil ka massage hone laga, their efforts were unsuccessful, lekin unki jo kaam koshish thi wo nakam ho gayi, and king faisal died shortly afterward, aur king faisal wahan intiqal kar gaye, both before and after the attack, yani ke attack se pehle aur attack ke baad, king Prince was reported to be calm. King Faisal यही बोलते रहे कि सुकून में आओ, यानी कि कोई ज्यादा शोर शराबा ना करो, सुकून में रहो। Following the killing, और जो है क्या कहते हैं, जब उनकी डेथ हो गई, उनको कत्ल हो गया, Riyadh had 3 days of mourning, during which all government activities were suspended. और पूरे 3 दिन का शोक जो है पूरे रियाद में, जहां ये पैदा हुए थे वहां मनाया गया, ताकि और जितनी भी एक्टिविटीज थी उसको भी तर्क की गई। इनको बाद में फांसी दे दी गई थी शायद, इनको कैद करके। अब सुनिए अपना होमवर्क, द क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट नोट इन कॉपी, इसमें अभी आपको दिखाऊंगी, डू एक्सरसाइज सी एंड डी फ्रॉम पे नंबर इन योर कॉपी, सी एंड डी करने अपनी कॉपी में। यस, ये शॉर्ट नोट है आपके पास, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है आपके पास।
अलग से भी मैं सेंड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे ये सब चीज़ें, और आपको स्लाइड में भी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ये फिर मैंने एमसीक्यूज बनाए, ये इनको देख लीजिएगा, 18 एमसीक्यूज हैं, इनको आप कॉपी में उतार के सॉल्व कीजिएगा, ये रे पूरे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर टर्न, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, आई एम ओपनिंग योर माइक, आपके माइक ऑलरेडी खुले हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, अगर कोई से बात समझ में नहीं आई है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, कोई सवाल?